हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ उत्तर एवं दक्षिण भारत की राजनीति की हम स्टडी कई दिन से कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत सामाजिक स्थिति जो कि 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक क्या रही उसके बारे में, और ये हमारा इस लेसन का लास्ट टॉपिक है। कल से हम नए टॉपिक पर स्टडी करेंगे, तो चलिए स्टडी करना शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये पार्ट 8 है। अगर पिछले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहाँ पर आप सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो ऐड आते हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उन्हें स्किप मत किया करिए। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पूर्व मध्यकालीन सामाजिक स्थिति। प्रोफेसर शर्मा ने नई जातियों के आविर्भाव एवं पुरानी जातियों के पतन के लिए आर्थिक घटक को ही उत्तरदायी मानते हैं। इस प्रकार राजाओं द्वारा ब्राह्मणों, मंदिरों और अधिकारियों को भू राजस्व के स्थायी हस्तांतरण से लिपिकारों या कायस्थ समुदाय का उदय हुआ, जिसने ब्राह्मण लेखकों और लिपिकारों के एकाधिकार को मूलतः खत्म कर दिया। ये प्रोफेसर शर्मा के अनुसार जातियों की उत्पत्ति की धारणा प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार व्यापार व वाणिज्य के पतन से वैश्य की स्थिति भी खराब हुई तथा साथ ही साथ जातियों की संख्या में गुणात्मक बढ़ोतरी उस काल की दूसरी उल्लेखनीय विशेषता थी। 7वीं सदी से आगे भारत में दो सशक्त सामाजिक धाराएं प्रवाहित हो रही थी, पहली विदेशी जातियों का प्रभाव, दूसरी जाति प्रथा की कठोरता। इस समय वर्ण और जाति वस्तुतः पर्यायवाची माने जाने लगे। परिणाम स्वरूप जल्द ही चार मूल जातियों की अनेक उपजातियां बन गई। इन जातियों के दौरान कई समुदायों को भी, जिन्हें हम राजपूत जाति के नाम से जानते हैं, क्षत्रिय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। जिन विदेशियों को प्रथम तीन वर्णों में नहीं रखा जा सका, स्वाभाविक रूप से उन्हें शूद्र वर्ग में गिना जाने लगा। यहाँ आ गया है जाति और वर्ग। इस अवधि के दौरान वर्ण व्यवस्था अत्यंत कठोर हो गई और जन्म, वृत्ति या व्यवसाय, निवास आदि सामाजिक स्तर के नए निर्धारक हो गए। जातिगत ढांचे में कठोर जातीयता प्रमुख कारक बन गई। इस तरह ब्राह्मण अपने गोत्र, पूर्वज, वैदिक ज्ञान की शाखा, मूल निवास स्थान और गांव से पहचाने जाने लगे। राजपूत जैसी मध्य एशियाई जनजातियों के आत्मसातकरण के फलस्वरूप क्षत्रिय जाति की भी गुणात्मक वृद्धि हुई। हस्तशिल्पों का जातियों में परिवर्तन और मिश्रित जातियों की वृद्धि के परिणाम स्वरूप शूद्र जातियों में व्यापक वृद्धि हुई। लिंगायत, वीर शैव, श्वेतांबर और दिगंबर आदि धार्मिक आस्थाओं के आधार पर भी जातियां बनी। इस अवधि में भी चार वर्णों में ब्राह्मण सर्वोच्च माने जाते हैं। ब्राह्मणों के प्रभेद व्यवसाय, ज्ञान, नैतिक शुद्धता, धर्म, प्रदेश, क्षेत्र और कुल आदि के आधार पर बनाए गए, जिससे उन्हें बहुत से उपवर्ग बन गए, जिन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त थे। अलबरूनी ने इनके कर मुक्त होने का उल्लेख किया है, परंतु ऐसा लगता है कि यह सुविधाएं केवल विद्वान ब्राह्मणों को ही प्राप्त थी। कुछ ब्राह्मण अपने मूल कार्य के साथ कृषि कार्य भी करते थे और कुछ ब्राह्मणों ने अपने मूल कर्म और जाति स्तर को छोड़कर क्षत्रियों के कार्यों को भी अपना लिया था, जो ब्रह्म क्षत्रिय के नाम से जाने गए। क्षत्रिय धर्म की अत्यंत उच्च भावना के साथ राजपूतों का उदय इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। 7वीं-8वीं सदी में उनका उदय हुआ और 12वीं सदी के आसपास उनके 36 वंशों ने बड़ी ख्याति अर्जित की। क्षत्रियों में उच्चतम स्तर का
दावा करने वाले सत क्षत्रिय के नाम से भी जाना जाने लगा। समीक्षाधीन काल में राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अधिकांश विद्वानों का विचार है कि हूण, गुर्जर एवं अन्य विदेशी जातियों को भारतीय समाज में ग्रहण किया गया और 36 राजपूत वंशों के रूप में उन्हें मान्यता प्राप्त हुई। उल्लेखनीय है कि अनेक राजपूत जातियां यथा परमार, प्रतिहार, चौहान, चालुक्य, कलचुरी आदि मुख्यतः विदेशी मूल की थी। राजपूत संस्कृत में राजपुत्र का शाब्दिक अर्थ है, तो इसको तोड़ के बताया गया है, संस्कृत के शब्द से ही ये बना है राजकुमार, परंतु अंततः इसका अमोद प्रिय योद्धा या अश्वरोही के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। ऐसे अनेक ऐतिहासिक स्रोत हैं जिनसे ब्राह्मणों और ब्राह्मण परिवारों द्वारा मान्यता क्षत्रियों के व्यवसाय को अपना लेने का उल्लेख है। मतलब ब्राह्मणों ने क्षत्रियों के व्यवसाय को भी अपनाया था, ऐसा उल्लेख जगह जगह मिलता है। जाति और व्यवसाय देख लेते हैं। समीक्षाधीन युग से पूर्व में भी नियम विहित व्यवसायों को छोड़कर अन्य व्यवसाय करने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। जैसे ब्राह्मणों की व्यावसायिक गतिविधि अध्ययन, अध्यापन, पूजा पाठ एवं अन्य पुरोहित कार्य करने तक सीमित नहीं था, यानी अन्य कार्यों को भी वो करने शुरू कर दिए थे। अत्री के अनुसार छात्र ब्राह्मण वह है जो युद्ध करके जीविका चलाता है। वैश्य ब्राह्मण वह है जो कृषि, पशुपालन एवं व्यापार करके जीविका अर्जित करता है। शूद्र ब्राह्मण वह है जो लाख, नमक, दूध, घी, शहद, मांस एवं कुछ विशेष प्रकार के रंग रोगन का विक्रय करता है। और निषाद ब्राह्मण वह है जो चोरों एवं दस्युओं के व्यवसाय को अपनाता है। ये तो ब्राह्मणों के बारे में हो गया। इस कथन से यह प्रतीत होता है कि इस समय आर्थिक दबाव के कारण ब्राह्मणों ने तीन अन्य वर्णों के व्यवसायों को अपनाना प्रारंभ कर दिया था। इस समय जो ब्राह्मण शासकों एवं उनके सामंतों के शासन में प्रशासकीय या सैनिक विभागों में सेवारत थे, वे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और विशेषाधिकारों से वंचित नहीं किए गए। ब्राह्मण समुदाय के कुछ निर्धन ब्राह्मण लोग पुरोहितीय कार्यों में निरत होते हुए भी निकृष्ट या हेय दृष्टि से देखे जाते थे। अल्बरूनी ने चार परंपरागत जातियों का उल्लेख किया है तथा इन जातियों से बाहर के लोग अंत्यज कहलाते थे। तो कौन कौन सी जातियां थी? हांडी, डोम, चांडाल, बद्धतों के रूप में ज्ञात कुछ जातियों के लोग अपने व्यवसाय के द्वारा एक दूसरे से भिन्न माने जाते थे। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में असंख्य जातियां और उपजातियां विद्यमान थीं। कल्लड़ और उसके कल्लूक भट्ट ने 64 जातियों का उल्लेख किया है। इसमें कल्लड़ ने और उस कल्लूक ने 64 जातियों का उल्लेख किया है। इस पर क्वेश्चन बनता है, इनमें अनेक वर्णसंकर जातियां भी थी, जबकि वृहद धर्म पुराण ने ऐसी 41 वर्णसंकर जातियों का उल्लेख किया है जिनका सामाजिक स्तर शूद्रों की भांति था। तो वृहद धर्म पुराण में कितनी जातियों का उल्लेख है? 41 वर्ण संकर जातियों का उल्लेख मिलता है। इस पर भी क्वेश्चन बनता है, जिसका सामाजिक स्तर शूद्रों की भांति था। ब्राह्मणों की सामाजिक व्यवस्था में शीर्षस्थ स्थिति थी, जिन्होंने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं शक्ति पुनः अर्जित कर ली थी। देवल ने ब्राह्मणों का वर्गीकरण उनके वेदों के ज्ञान के स्तर के आधार पर किया। मात्र जिसने चारों में से किसी भी वेद का अध्ययन न किया हो और न ब्राह्मणों से संबंधित कोई कार्य निष्पादित करता हो, अपितु जिसने केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म मात्र लिया है, वो मात्र कहलाए। फिर ब्राह्मण जिसने वेदों के किसी भी अंश का अध्ययन किया हो, वो ब्राह्मण। और सोत्रिय जिसने 6 अंगों के साथ वेदों का एक पाठ शुद्ध किया हुआ मूल ग्रंथ पढ़ा हो और ब्राह्मणों के लिए
निर्धारित 6 कर्मों को पूरा किया हो, क्षत्रिय कहलाए और अनुचन जो वेदों और वेदांगों का अर्थ जानता हो, शुद्ध हृदय हो और यज्ञ होम करता हो, तो वो अनुचन कहलाए। भ्रूण जिसमें अनुचन ब्राह्मण के गुण हो और यज्ञ करता हो, भ्रूण कहलाया। ऋषिकल्प जिसने सांसारिक और वैदिक ज्ञान हो वो ऋषिकल्प कहलाया। ऋषि जो ब्रह्मचारी हो और कठोर तपस्या करने वाला हो, सत्यवादी हो और श्राप या वरदान दे सकता हो, वो ऋषि कहलाया। मुनि जो वनों में रहता हो, कंद मूल फल शाक पर गुजारा करता हो, मतलब खाकर उसी से जीवन अपना चलाता है, तो वो मुनि कहलाए। ब्राह्मणों को इन 8 श्रेणियों से संबंधित देवल के इस उद्धारण का लक्ष्मीधर, बल्लाल सेन एवं चांडेश्वर ने भी उल्लेख किया। आपदा काल में एक ब्राह्मण को व्यापार करके अपना भरण पोषण करने की अनुमति दी गई। आपातकाल में ब्राह्मण 2 अन्य व्यवसाय को अपनाकर जीविका उपार्जन कर सकता है, महाजनी या साहूकार और राजा की नौकरी। स्मृति टीकाओं और सार ग्रहण संग्रहों में ऐसा अयोग्य ब्राह्मण का भी उल्लेख मिलता है जो केवल निर्धारित स्तर तक पहुँचने में ही अयोग्य नहीं रहा हो अपितु नैतिक स्तर में भी हेय था। स्मृति के स्मृतियों को आधार मानते हुए स्मृति टीकाओं एवं सार ग्रंथ संग्रहों में पतित ब्राह्मणों पर सामाजिक प्रतिबंध लगाए जाने की बात बार बार दोहराई गई है। यहाँ पे ब्राह्मण के बारे में दे रहा है, ब्राह्मणों के विशेषाधिकार के बारे में समकालीन सार ग्रंथ से निम्न तथ्य स्पष्ट हैं। जन के आधार पर सभी वर्णों से आदर पाने, सभी वर्णों के कर्तव्यों की व्याख्या करने, मृत्यु दंड से मुक्ति करो से मुक्ति, सड़क पर सबसे आगे चलने का अधिकार, कुछ अपराधों के लिए अन्य जातियों की अपेक्षा लघु दंड, शोक मनाने की संक्षिप्त अवधि इत्यादि। इन नियमों में कुछ खास अपवाद भी हैं। ऐसे ब्राह्मण जो भक्ष्य अभक्ष्य सब कुछ खाता हो, हर प्रकार की वस्तु का व्यापार करता हो और ब्राह्मण के लिए प्रतिपादित नियमों की अवहेलना करता हो, ऐसे ब्राह्मणों के प्रति सामाजिक आदर व्यक्त करने वाले नियम लागू नहीं होते थे। इन विशेषाधिकारों के अलावा अलबरुनी ने ब्राह्मणों पर करोरोपण से मुक्ति का भी उल्लेख किया है। उत्तरी भारत के लोगों में ब्राह्मण के प्रति आस्था के संदर्भ में अलबरुनी ने कहा है कि किसी ब्राह्मण के विरुद्ध किए गए घातक अपराध से किसी भी प्रकार मुक्ति नहीं पाई जा सकती। किसी ब्राह्मण की हत्या करना महानतम अपराध था, जिसे वज्र या ब्रह्म हत्या कहा जाता था। मत्स्य पुराण का कथन है कि त्रिशंकु बर्बर ओद्र उड़ीसा आंध्र तक द्रविण और कोण में निवास करने वाले ब्राह्मणों को अंत्योष्ठी भोज में आमंत्रित नहीं किया जाता था। थोड़ा क्षत्रिय के बारे में स्टडी कर लेते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार लगभग 11वीं शताब्दी से क्षत्रियों का अस्तित्व अंधकारमय हो गया। उत्तर भारत के शासक राजवंशों के कुल ही गुर्जर, प्रतिहार, चाप, चहमान, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चंदेल, परमार, कच्छ, पघात और गहड़वाल राजवंशों के शासक स्वयं को राजपूत कहते थे। अभिलेखों में इन राजवंशों का दावा है कि मुनि वशिष्ठ द्वारा माउंट आबू पर्वत पर प्रज्वलित अग्निकुंड से वे उत्पन्न हुए थे। मूल रूप से उनके 4 वंश थे। इतिहासकार स्मिथ का कहना है कि चार प्रमुख राजपूत वंश अर्थात परमार, चालुक्य, चौहान, प्रतिहार, हूण और गुर्जरों जैसे विदेशियों के हिंदू कृत वंश से थे, जबकि कल्हड़ ने 36 मूल राजपूत जातियों का उल्लेख किया है। वैश्यों को शूद्रों के समकक्ष लाने की शुरुआत मनु और बोधायन धर्म सूत्र के साथ ही हो गई थी। डॉक्टर अलतेकर और घूरिए ने ठीक ही कहा है कि वैश्यों को शूद्र के स्तर तक पहुंचा दिया है। इसमें जो ये पॉइंट है इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनता है। स्मिथ का जो है
जो दिया है इन्होंने। और इसके अलावा ये इतिहासकार ये अग्निकुंड से जो धारणा दी गई है ये, इस पर काफी क्वेश्चन मिलता रहता है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। अब आ जाते हैं अस्पृश्य की श्रेणी पर। प्रारंभिक स्मृतियों की रचना काल में अछूतों को अंत्यज कहा जाता था, जिनके उप विभाजनों की गणना एक ग्रंथ से दूसरे ग्रंथ में भिन्न भिन्न है। अत्रि ने जहां 7 अंत्यज जातियों का उल्लेख किया है, वहीं वेद व्यास स्मृति के बारे में 12 नाम गिनाए गए हैं, जिसमें से भी अंत्यज जाति भी शामिल है जो मांस भक्षण करते थे। अलबरूनी ने ऐसे 8 समूह के बारे में बताया है जो दस्तकारी और व्यवसाय तो करते ही थे, परंतु चतुर्वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते थे। उनके अनुसार इसमें धोबी, जूता बनाने वाले, मदारी, टोकरी, ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआरे, जंगली पशु पक्षियों के शिकारी, जुलाहे आते हैं, जिनकी तुलना रजक, चर्मकार, नट, शैलुषिक, ब्रूड, नाविक, शैलुक, बुरूड, नाविक, कैवर्त, भील, कुविविद से की गई है, जिसे प्राचीन स्मृति ग्रंथों में चांडाल एवं अंत्यजों के रूप में स्वीकार किया है। उसे मनु ने शूद्र के रूप में, इस प्रकार वे निम्न जाति से संबद्ध हैं। वर्ण संकर जातियां जो कई जातियों से मिक्स हो गए हैं, इन जातियों का संबंध उच्च जाति के पुरुष का निम्न जाति की स्त्री से अनुमोदित रीति से, यानी अनुलोम विवाह और उसके विपरीत प्रतिलोम विवाह के साथ साथ अन्य प्रकार के निषिद्ध विवाहों के फलस्वरूप उत्पन्न बताया गया है। सबसे लंबी सूची वैजयंती में दी गई है, जिसमें 64 वर्ण संकर जातियों की उत्पत्ति, 4 वर्णों से उत्पन्न पुत्र, 12 अनुलोम और प्रतिलोम पुत्र और उनकी 48 प्रशाखाओं से हुई है। तो इसमें जो ये वैजयंती का है संदर्भ दिया गया है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अनुलोम जातियां द्विज मानी जाती थी, इसीलिए उन्हें यज्ञोपवीत संकर करने का अधिकार था, परंतु प्रतिलोम जातियां अशुद्ध मानी जाती थी और वे द्विज जातियों जैसे कर्म करने के योग्य नहीं थी। बृहद धर्म पुराण में वर्ण संकर जातियों की सूची में 36 जातियां शामिल बताई गई हैं, परंतु वास्तव में इनकी संख्या 41 हो गई। इन वर्ण संकर जातियों की 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, उच्च, मध्य और निम्न। इस काल में जन्मी वर्ण संकर जातियों में कायस्थ सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिनकी जाति के रूप में इनकी उत्पत्ति साहित्य और अभिलेख साक्ष्य के आधार पर 9वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई मानी जा सकती है और 11वीं और इसके बाद की सदियों में इस जाति के लोग विभिन्न क्षेत्रों में उच्चतम राजकीय पदों पर पहुंच गए। सबसे लास्ट अब है अंत्यज, इसको एक देख लेते हैं। सबसे निम्न जातियां जिनके सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतीक चांडाल थे, वैजयंती की गणना के रूप में अंत्यज जातियों की संख्या 7 है, जिसके नाम है धोबी, चर्मकार, वेन, वरुण, मछुआरे, कैवर्त या भेद और भील। इन सूची में 3री, 4था, 6ठा और 7वां नाम स्पष्ट रूप से आदिम जनजातियों का है, जबकि शेष नाम निम्न व्यवसायिक समूह का है। इन चांडालों के स्पर्श मात्र से ही शरीर अशुद्ध हो जाता है। इतना ही नहीं, चांडालों द्वारा उनके पास एक निश्चित दूरी तक जाने, चांडालों को देखने या उनसे बात करने, उनके खेल तमाशे देखने, उनकी परछाई पार करने और उन्हें दूसरी, तीसरी, चौथी अमावस्या तक स्पर्श करने के लिए प्राश्चित के निर्देश दिए गए हैं। इन अस्पृश्य की सूची के अंतर्गत बौद्ध, जैन, भौतिकवादी, अनिश्वरवाद मतलब नास्तिक, कपिल के अनुयायी, वैदिक धर्म की परिधि से बाहर के शैव और शाक्त आते हैं। तो यहाँ हम ये टॉपिक फिनिश कर लेते हैं फ्रेंड्स। कल से हम नए चैप्टर की स्टडी करना शुरू करेंगे।
तो इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मोबाइल पर मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।